दक्षिणी फिलीपींस में आए तेज भूकंप से 15 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 90 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इस आपदा में कई इमारतों को भी भारी क्षति पहुंची है और साथ ही बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर 6.5 तीव्रता का भूकंप आने पर सुरीगांव डेल नोर्टे प्रांत में अपने अपने घरों में सो रहे सैकड़ों लोग उठकर घर से बाहर निकल आए थे। शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस होते ही अफरा तफरी मच गई और लोग खुले स्थानों पर पहुंच गए। भूकंप का केंद्र फिलीपींस की राजधानी सुरीगांव से 14 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में जमीन से 11 किलोमीटर की गहराई में था। अधिकारियों की माने तो इस आपदा में अभी तक 15 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 90 से भी ज्यादा घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बल और बचावकर्मी मलबे में दबे लोगों को निकाल रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप से कई इमारतें ढह गई हैं तो वहीं एक पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है तो वहीं अधिकारियों ने भूकंप से सुनामी के खतरे से साफ इनकार कर दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।